सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फाइनली Samsung M52 5G के लिए Samsung ने इंडिया में Android 12 बेस्ड One UI 4.1 का जो अपडेट है वो रोल आउट कर दिया है। बात करें अगर अपडेट फाइल की तो 2549 MB का अपडेट है, मार्च 2022 का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। और इस अपडेट में हमें एंड्रॉयड 12 के साथ वन यूआई 4.1 देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इस अपडेट का क्विक रिव्यू दूंगा, जानेंगे कि क्या कुछ नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं सैमसंग की तरफ से वन यूआई 4.1 अपडेट के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 125 लाइक, 125 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पीयूष। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कलर पैलेट का। तो यहाँ पर अब आपको मटेरियल यू डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, आप वॉलपेपर के अकॉर्डिंग जो थीम है उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, साथ ही आप आइकन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही वन यूआई 4.1 के साथ आया है अपडेट, तो वन यूआई 4.1 में हमें और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड कलर पैलेट देखने को मिल जाता है। तो बात करें अब सेकंड फीचर की, तो सेकंड फीचर है हमारा रैम प्लस। तो यहाँ पर अब आप चूज कर सकते हैं कि आपको कितना GB वर्चुअल रैम चाहिए, 2GB, 4GB, 6GB। तो अब आप चूज भी कर सकते हैं, पहले यहाँ पर 4GB सिलेक्ट रहता था लेकिन अब आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी न्यू फीचर ऐड किया गया है सैमसंग की तरफ से वन यूआई 4.1 अपडेट के बाद। इसके अलावा बात करें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में हमें एक नया फीचर देखने को मिला है, शो फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। पहले तीन ऑप्शन देखने को मिलते थे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है। तो जब भी नया नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में शो करेगा। इसके अलावा बात करें तो हमें न्यू चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर सैमसंग ने फाइनली न्यू चार्जिंग एनिमेशन भी ऐड कर दिया है जो कि हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको प्राइवेसी का नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन ने कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन यूज किया है। इसके अलावा विजिट्स मेन्यू को सैमसंग ने रीडिज़ाइन कर दिया है वन यूआई 4 अपडेट आने के बाद, साथ में काफ़ी सारे नए विजिट्स भी ऐड कर दिए हैं वन यूआई 4 अपडेट आने के बाद। साथ में यहां पर डिवाइस केयर का जो इंटरफेस है उसको सैमसंग ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, साथ में यहां पर काफ़ी सारे नए फीचर्स भी ऐड कर दिए हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो बहुत ही जल्द मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि हमें क्या कुछ नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं M52 5G में Android 12 अपडेट आने के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।